इससे पहले भी इसके अंदर बाजवा जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत जबरदस्त काम करा है और बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक जो इन बोर्ड्स पे थे बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन पहली बार शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे इसको गति मिलेगी और गति मिलने पर और बढ़िया तरीके से काम होगा और संगठित रूप से काम होगा। राठौर जी सर एक बात है, ये सभी सैनिक बैठे हैं, एक सेकंड में आप पूछे। हाँ सर, ये 5 साल हो गई अपना लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के सभी हैं आपके और लोकसभा के कि कनकपुरा रेलवे स्टेशन के ऊपर प्रत्येक ट्रेन रुके तो सब सैनिकों का आपकी आधी लोकसभा वहाँ पर रहती है। आपके निजात के लिए धन्यवाद। वैसे मैं और ये 5 साल से प्रयत्न है, मतलब कनकपुरा में हो गया है, आपको बता दू उसका डेमो ट्रेन जो मैंने शुरू करी उसका रुका कनकपुरा में हो गया। और भी रेलवे लोग थे, सब लोग थे। रेलवे स्टेशन रेल मंत्रालय जाता हूँ, आप सुनिए, जब मैं रेल मंत्रालय जाता हूँ तो रेल मंत्रालय ऐसा अभियान चला रहा है कि ट्रेनों की स्पीड और तेज हो। जब ट्रेनों की स्पीड तेज करनी होती है तो जो ठहराव है वो कम करने पड़ते हैं, और रेल मंत्रालय का प्यून भी मुझे जानने लग गया। जैसे ही मैं आता हूँ सब एक दूसरे को देख के बोलते हैं ट्रेन रोड में आ गया। मैंने बहुत ट्रेनें रोकी, हमने फुलेरा में, सांभर में, रेनवाल में ट्रेनें रोक रहा हूँ। देखिए, उससे पहले कि वो अपनी नई योजना बनाए और उसका ऐलान करे, जो उन्होंने ऋण माफ करने का जो ऐलान करा था 1, 2, 10, वो 10 तो क्या यहाँ पे तो अभी 1 महीना निकल गया और उसके अंदर ऋण माफ नहीं हुआ। ये भी तय नहीं हुआ कि किस श्रेणी का किसानों का ऋण माफ होगा, क्या कैटेगराइजेशन होगी। ये भी नहीं बताया कि वो 90,000 करोड़ जो चाहिए ऋण माफ करने के लिए वो कहां से आएंगे। तो ये डेस्परेशन के निशान है। वो बीच बीच में जाते हैं, उनको कार में कुछ बोला जाता है, पूरा समझ नहीं आता, आधा बोल देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, क्या चलता रहता है थोड़ा बहुत। आप निश्चित रहे, यहां योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उन्होंने बिल्कुल प्लान तरीके से कमिटमेंट के साथ, आप देखिए हमारा रेवेन्यू जनरेशन बढ़ रहा है। ये जब जीएसटी लागू करा, जो नोटबंदी हुई, आज हर महीने 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपए केंद्र सरकार के पास आ रहे हैं। हर महीने 90,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं और पिछले महीने तो 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गए हैं 1 महीने के अंदर। ये सारा पैसा किसके लिए है? ये सारा पैसा है ताकि जनता के पास सही रूप में इस पैसे को पहुंचाया जाए। जब एक परिवार के मुखिए को काम करना होता है तो आमदनी भी लानी पड़ती है। ये आमदनी पहले तो आ रही थी लेकिन चोरी होती थी, नीचे तक नहीं पहुंचती थी, कुछ खास लोगों के पास जो जाती थी और कुछ खास लोगों में से कुछ बाहर भागे हुए भी है उनको वापस लाया जा रहा है। तो ये सारा काम चल रहा है बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। साहब जी एक